भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है। भाजपा राष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्राथमिक सदस्यता के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। भारतीय जनसंघ व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका उद्देश्य भारतीयों की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट का हिस्सा थे। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव लोकसभा हुए। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ ने हिस्सा लिया और 3 सीट जीती। 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव हुए। भारतीय जनसंघ BJS को 5 सीट पर जीत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने। सन 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंघ को बड़ी बढ़त मिली और इस बार भारतीय जनसंघ ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। 1967 में चौथे लोकसभा में एक बार फिर भारतीय जनसंघ ने बड़ी छलांग लगाई। इस बार पार्टी के 32 सांसद जीत कर आए। चुनाव के एक साल बाद 1968 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। इसके बाद 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। सन 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव हुए। इसमें भारतीय जनसंघ के 23 सांसद जीत कर आए। 1973 में पार्टी की कमान लाल कृष्ण अडवाणी को मिली। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी दल एक साथ आ गए। भारतीय जनसंघ और दूसरे कई दलों के इस महागठबंधन को जनता पार्टी का नाम दिया गया। सन 1977 में 6वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस और इंदिरा गांधी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी को 302 सीटें मिली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया और लाल कृष्ण अडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। महागठबंधन का ये फॉर्मूला एक कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया। आंतरिक कलह के चलते 30 महीनों के भीतर ही जनता पार्टी का विघटन हो गया। कई पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जून 1979 में चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन का वादा किया, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस मुकर गई। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1980 में फिर से चुनाव कराए गए। 1980 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी के नाम से ही लड़ा, जबकि चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी को S पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा। जनसंघ के साथ साथ जनता पार्टी को महज 31 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 353 सीटों के साथ सरकार बनाई। 7वीं लोकसभा की करारी हार ने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा का गठन किया गया। 1984 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में BJP को महज 2 सीटें मिली। 1986 में पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में लाल कृष्ण अडवाणी ने पार्टी की कमान संभाली। इसके बाद 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में BJP ने अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की और 89 सीटें जीती। BJP ने जनता दल को समर्थन देकर BP सिंह की सरकार बनाई। 1989 में ही BJP ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन दिया। 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली।
1991 में मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी के नए अध्यक्ष बने। अडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी को देश भर में समर्थन मिला। नतीजा ये हुआ कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें जीती। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने समर्थन से पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनाई। 1993 में पार्टी की कमान एक बार फिर लाल कृष्ण अडवाणी ने संभाली। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 163 सीटों पर जीत दर्ज की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी के 183 सांसद जीत कर आए। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार 13 महीनों में सरकार गिर गई। 1999 में फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण अडवाणी उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बने। इस बार भाजपा सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। यह सरकार वैश्वीकरण पर आधारित नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित रही। 2004 में बीजेपी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया, लेकिन पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी। पार्टी को 144 सीटें मिली। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई। 2006 में राजनाथ सिंह ने पार्टी का नेतृत्व संभाला, लेकिन 2009 के चुनाव में बीजेपी का फिर जादू नहीं चला। बीजेपी के 119 सांसद चुनकर आए। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी ने पार्टी की कमान संभाली। 2014 लोकसभा चुनाव से एक साल पहले राजनाथ सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अमित शाह जैसे रणनीतिकार के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। भाजपा ने 282 सीटों पर जीत हासिल की और इसके नेतृत्व वाले राजग व एनडीए को 543 लोकसभा सीटों में से 336 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। पहली बार केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यह 1984 के बाद पहली बार था कि भारतीय संसद में किसी एक दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया हो। भाजपा संसदीय दल के नेता व तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लोकसभा में अप्रत्याशित जीत के बाद अमित शाह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। पीएम मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अब तक। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996। अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999। अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2000। भाजपा के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक। भारतीय जनता पार्टी के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकाल 1980 से 1986। दूसरे लाल कृष्ण अडवाणी, प्रथम कार्यकाल 1986 से 1991। तीसरे मुरली मनोहर जोशी, 1991 से 1993। चौथे लाल कृष्ण अडवाणी, दूसरा कार्यकाल 1993 से 1998। पांचवे कुशाभाऊ ठाकरे, 1998 से 2000। छठवे बंगारू लक्ष्मण, 2000 से 2001। सातवें जन कृष्ण मूर्ति, 2001 से 2002। आठवें वेंकैया नायडू, 2002 से 2004। नवे लाल कृष्ण अडवाणी, तीसरा कार्यकाल 2004 से 2006। दसवें राजनाथ सिंह, पहला कार्यकाल 2006 से 2009। ग्यारहवें नितिन गडकरी, 2009 से 2013। बारहवें राजनाथ सिंह, दूसरा कार्यकाल 2013 से 2014। तेरहवें अमित शाह, 2014 से अब तक। भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी शामिल है, जिसमें आरएसएस की छात्रा इकाई,
भारतीय किसान संघ, उनकी किसान शाखा, भारतीय मजदूर संघ और आरएसएस से संबद्ध मजदूर संघ भी शामिल है। भाजपा के अन्य सहायक अल्पसंख्यक मोर्चा इसका अल्पसंख्यक भाग है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।